Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस के लिए अगर आपको एक प्रीमियम थीम चाहिए जो कि पूरा फ़ोन का लुक और UI को चेंज कर सकता है, तो एक बार ये थीम ट्राई करके देखो, शायद आपको ये थीम पसंद आ जाए। तो अप्लाई करने के बाद पूरा फ़ोन का लुक, आइकन्स देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने मिल जाता है। एनिमेटेड आइकन्स देखने मिलता है, न्यू टैप का आइकन पैक है, सभी आइकन्स चेंज हो जाएगा, एक भी आइकन्स आपको इस आइकन पैक में मिसिंग नहीं देखने मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसमें एनिमेटेड बजट भी देखने मिलता है, आइकन्स तो एनिमेटेड है, साथ ही साथ आपको बजट भी एनिमेटेड देखने मिल जाएगा। वॉलपेपर काफ़ी अच्छा आपको क्वालिटी में देखने मिलता है, फोल्ड स्टाइल भी आपका चेंज हो जाता है, कंट्रोल सेंटर भी आपको काफ़ी अच्छा देखने मिल जाएगा। ये आपका जो है MIUI 13 14, इवन आपका HyperOS का कंट्रोल सेंटर को भी चेंज कर सकता है। डबल टैप करने से बजट में कुछ नया बजट तो ना बजट कुछ नया नहीं देखने को मिलता, बट जो भी है काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ आपको होम स्क्रीन का मतलब आइकन्स और बजट देखने मिल जाता है। एक ही बजट है बट हाँ काफ़ी अच्छा देखने मिलता है। फिर आपका आता है सेटिंग्स, तो ये आपको ऐसा कुछ नया टॉगल्स के साथ सेटिंग्स देखने मिलता है, सभी टॉगल्स चेंज हो जाएगा। और ये थीम डार्क मोड लाइट मोड दोनों ही सपोर्ट करता है। अबाउट फोन में आपको कुछ ऐसा मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलता, बट आपका UI में चेंजेस और मतलब थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे चेंजेस देखने को मिल जाएगा। डिटेल इन्फो एंड स्पेक्स में भी चेंजेस देखने को मिलता है, डिस्प्ले में भी आपको जो है UI चेंज देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका सेपरेशन हो गया। फिर आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में भी आपको सेम जो है आपका UI में चेंजेस देखने मिल जाएगा। एडिशनल सेटिंग्स में भी आपको सेम चेंजेस देखने मिलता है। तो थीम सच में अच्छा है और इस थीम में कुछ भी कमी नहीं देखने मिलता, मतलब कि आइकन चेंज हो जाता है परफेक्टली, आपका वॉलपेपर अच्छा है, फोल्ड स्टाइल अच्छा है, कंट्रोल सेंटर अच्छा है, सेटिंग्स ही वही चेंज हो जाता है और जो है नया डेप का लुक भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको उसमें नीचे डॉक भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस थीम में आपको एक प्लस एडेड बोनस देखने को मिल जाएगा। और आपका वॉल्यूम स्लाइडर भी चेंज हो जाता है, iOS इंस्पायर्ड आपको इसमें वॉल्यूम स्लाइडर देखने को मिलता है। और डायलर मैसेजेस ऐप चेंज होगा अगर आपका MIUI का डायलर और मैसेजेस ऐप है, गूगल डायलर मैसेजेस ऐप चेंज नहीं होता है। लॉक स्क्रीन सिंपल सा है, मतलब आपको लॉक स्क्रीन सिंगल पेज का देखने को मिलता है, ऐसा कुछ आपको जो है आपका टाइम का काफ़ी अच्छा बजट देखने को मिलता है, जो कि आप बोल सकते हैं एंड्रॉइड 12 या एंड्रॉइड 13 से इंस्पायर्ड है, काफ़ी अच्छा क्लीन लुक के साथ है। सेम वॉलपेपर आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन दोनों जगह में देखने को मिले, और बाकी आपको और भी जो है जैसे कि आपका वेदर हो गया, फिर आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन भी काफ़ी क्लीन और मिनिमल है, परफेक्ट लुक के साथ आपको सभी कुछ चेंज होता है वो देखने को मिल जाएगा, चाहे वो आपका होम स्क्रीन हो या लॉक स्क्रीन हो या सेटिंग्स हो या पूरा UI हो। अगर आपको चाहिए थीम तो जाओ थीम स्टोर में, सर्च करो O Circle Space UI, सर्च कीजिए O Circle Space UI, बताइए कैसा लगा आपको ये थीम O Circle UI। चूँकि मेरे को पर्सनली थीम काफ़ी अच्छा लगा, परफेक्ट चेंजेस इस थीम में, डाउनलोड मारना है, जल्द डाउनलोड करो O Circle UI, बताओ कैसा लगा नीचे कमेंट करके। पसंद आया थीम वीडियो प्लीज़ एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो, नोटिफिकेशन कॉल मेरे को और ऐसा वीडियोस के लिए वेट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।